आर्यन की जमानत को लेकर आज होगी सुनवाई। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आर्थर जेल में बंद है आर्यन। आर्यन खान के पास दक्ष नहीं मिला, लेकिन वे बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हैं। एनसीबी का बड़ा बयान। मुंबई में इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा। बीएमसी ने अब तक नहीं जारी किए दिशा निर्देश। महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर से खुलेंगे सभी कॉलेज। उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कैबिनेट की बैठक के बाद दी जानकारी। छात्रों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए 2 डोज लगाना अनिवार्य। उदय सामंत ने दी नए नियमों की जानकारी। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 481 मामले आए सामने। 5114 केस एक्टिव, 3 लोगों की हुई मौत। थिएटर को 100% क्षमता के साथ खोला जाए, अभिनेता और एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने लिखा मुख्यमंत्री ठाकरे को पत्र। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा। कैबिनेट बैठक में ठाकरे सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 24 घंटे में एसटी के 2 कर्मचारियों ने की आत्महत्या। पगार न मिलने के कारण जीवन समाप्त करने का लिया फैसला। महाराष्ट्र में अब तक 9 करोड़ लोगों का हुआ है वैक्सीनेशन। 2.76 करोड़ लोग हुए हैं फुली वैक्सीनेटेड।